वेलकम बैक टू एफएफ व्लॉग्स ऑफिशियल। तो मैं दो तीन दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैंने बोला था ईद के दूसरे दिन भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे हादसा हो गए जो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा, और इस वजह से मैं बहुत मसरूफ़ भी था, परेशान भी था, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाया। तो खैर, जो हो गया सो हो गया। तो अब जो है आई एम बैक, और आज जो है बहुत बारिश पड़ी है, बहुत तेज तूफान भी लगा है, तो लाइट वगैरह भी गई हुई थी सुबह से ही, अभी तक गई हुई है, नहीं आ रही। तो मैंने बोला क्यों ना यार, बारिश पड़ रही है और बंदा बाहर ना निकले, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो जल्दी से मैं जाता हूँ, सिराज भी नीचे वेट कर रहा है कि आओ जल्दी तो चलें कहीं पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वही बादल साहब को मैं लेके बाहर आ गया हूँ। कहाँ जा रहा है सिराज? बारिश में समोसे खाने हैं तुम्हें? बस अभी तुम्हें मस्ती चढ़ गई, जैसे ही बारिश पड़ी तुम्हें बस समोसे खाने। कहाँ के खाओगे? कोटरी के। हाँ, समोसे खाने कोटरी? क्यों भाई? अच्छे होते हैं तो हम कोटरी जाएंगे। चलो भाई, बादल भाई की फरमाइश है कि हम कोटरी जाएंगे समोसे खाने। अच्छे दोस्त के होते हैं लेकिन खाए भी नहीं है काफी टाइम से, तो चलो चलते हैं। ये कोटरी का पुल जो है वो आ गया, और इस पुल पे वैसे मुझे डर लगता है बहुत, क्योंकि इसकी जो गारंटी थी ना वो तो कोई 20 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, और बड़ा ख़तरनाक पुल है, हिलता भी ऐसा है कि बस पता नहीं जैसे क्या हो रहा है। और यहाँ पे रश भी फुल है, ईद का टाइम है, और यहाँ पे जाने भी नहीं रहते मेरे ख्याल से ट्रक वगैरह, आप यहाँ पे अलो नहीं करते ये लोग। और जब ट्रेन आती है ना तब तो ऐसे हो रहा होता है जैसे प्लास्टिक का पुल हो या कोई रबर का पुल हो, इतनी तेज हिलता है। यहाँ पे फुल ब्लॉक है ट्रैफिक, ये थोड़ा ख़तरनाक जगह है भाई। पुल हिल रहा है, वीडियो में शायद पता नहीं चलेगा इतना, लेकिन हिल रहा है बाकायदा पुल। और थोड़ी सी जो है हालत मेरी नासाज होती है जब पुल हिलता है, स्पेशली ये वाला। कोई और हिलता है तो वो तो हर पुल ही हिलता है, लेकिन ये जो है ना ये कुछ ज़्यादा ही हिलता है, और इसकी हालत देख के भी ना हालत ही ख़राब हो जाती है। और यहाँ से जब ट्रेन गुजरती है ना फिर तो अच्छे बल्लों की चीखें निकल जाती हैं। तो भाई सिराज साहब ने जो है हमारे साथ बहुत बुरा सीन करवा दिया है, और वहाँ पे समोसे सारे खत्म हो चुके थे हर जगह के। ओके, तो समोसे ख़त्म हो चुके थे हर जगह के क्योंकि बारिश पड़ रही थी, तो जिसके पास जा रहे हैं कह रहे हैं सर ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गए। तो अब घूम फिर के हम यहाँ पे आए हैं हुसैनाबाद में, समोसे वाला ये मशहूर फेमस पूरे हैदराबाद का चस्का, और ये समोसे भी आ गए, और सिराज साहब ने शुरू भी कर दिया। अरे मैं भी तो खाऊंगा। तो फिर क्यों ट्रे अपने पास पकड़ लिए, मुझे भी दो। तो जल्दी से समोसे खाते हैं। तो भाई घर वगैरह में आ गया हूँ, अब जल्दी से मैंने जो है कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ मिशन पे। वो मिशन ये है कि रेम्बो साहब की जो है शेडिंग शुरू हो गई है, उसका टाइम शेडिंग वाला जो शुरू हो गया, और उसके बाल जो है शेड कर रहा है, तो जाहिर सी बातें उड़ते हैं, जगह जगह पे कपड़ों पर चिपक रहे हैं, तो उसके वो बाल साफ़ कर दिए। और इनका हस्कीज का ये सिस्टम होता है कि उनके जब शेडिंग होती है तो उनको रेगुलरली दिन में 2-3 बार ब्रश करना मस्त होता है, और उसी से जो है उसके जो ओल्ड बाल होते हैं वो ब्रश करने से झड़ जाते हैं और फिर न्यू आना शुरू हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। वैसे अगर आप छोड़ लो तो 2-3 महीने लग जाते हैं, लेकिन अगर आप केयर करो तो विद इन 1 मंथ इनका पूरा कोट जो है ऊपर का जो बाल वगैरह होते हैं पूरा कोट इनका चेंज हो जाता है, न्यू आ जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली हस्कीज़ को वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और उनको टाइम चाहिए होता है, एनर्जेटिक डॉग होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा रेम्बो को, और इस वजह से मैं हफ्ते में मुश्किल से कोई एक आध बार करता हूँ उसको ब्रश। तो खैर आज उसके मैंने सोचा है कि उसके जो भी बाल अभी तक गिर चुके हैं वो सब ब्रश करके उसके हटा देता हूँ, ताकि जल्दी से दूसरे बाल भी शेड करें और जल्दी से उसका न्यू कोट आ जाए। तो बहुत मुश्किल काम है ये, तो जाते हैं और देखते हैं भाई हो पता है हमसे या भी नहीं हो पता। तो सबसे पहले भाई हम लेंगे एक शॉपर और रेम्बो का ब्रश, उसके बाद हम पकड़ेंगे रेम्बो को। कितनी इसकी शेड हो गया, शेडिंग इसका सीजन स्टार्ट हो गया, क्योंकि और ये बहुत तंग करता है, तो उसका सिर्फ एक ही आलेख को रेगुलरली ब्रश किया जाए। तो ये सबसे मुश्किल काम है रेम्बो को ब्रश करना, और ये करवाता नहीं है, और सारे बाल इसके जो है कपड़ों पर चिपकते हैं। ठीक है,
इसको इन चॉपर में डाल के सारे बाल चॉपर, ये बेस्ट तरीका है वरना बाल इधर से उधर हम कमा। रेम्बो लड़ना पड़ता है इसके साथ, लड़ना पड़ता है, ऐसे नहीं करता कुछ नहीं। नो रेम्बो नो, कह रहे मेरे बाल मुझे वापस दो। मस्ती में है वो। तो भाई ब्रश से तो ये करने नहीं दे रहा, इसको बांध के करना पड़ता है, लेकिन अभी जो ये फुल बैटरी इसकी चार्ज हो रही है तो ब्रश को हम रखते हैं साइड पे। अब इसका एक और भी तरीका है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन करना तो है ना। तो उसको हम इसके ऐसे ये देखें, इतनी शेडिंग हो रही है कि बस हल्के से ही सिर्फ हाथ लगाते हैं तो बाल आ जाते हैं हाथ में, ऐसे ये इजीली करवा लेता है, इसको ज़्यादा वो नहीं होता। ब्रश जब करते हैं तो उसको खुजली होती है, चुभता है, तो इस वजह से ये और छलांगे मारता है हाथ से ना, इसको इतना फील नहीं होता। ये देखें सही है, ये देखें कितने बालों का गुच्छा के गुच्छा है। अब शेडिंग में ये इसको रेगुलरली दिन में एक दो बार ब्रश करना है, तब जाके ये 10-15 दिन में इसकी शेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, एक महीने में फिर भी, लेकिन टाइम नहीं मिलता, हफ्ते में एक दो बार करते हैं, बड़ी बात है। ये देखें सारे ये इसके बाल शेड हो जाएंगे और फिर न्यू बाल आएंगे, शाइनी बिल्कुल लश पश वाले। लेकिन इसके लिए करनी पड़ती है मेहनत, और इसको वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, जो अनफॉर्चुनेटली अब मैं दे नहीं पा रहा इसको बिल्कुल भी, परेशान भी होता है इस वजह से। ये पार्सल बनवाया रेम्बो का, रेम्बो स्ट्राइल पे फेंकेंगे। इसमें बहुत टाइम लगता है वैसे हाथ से करने में, लेकिन अभी जितना हो सकता है उतना करूं, क्योंकि कुछ इसके बाल जो है ना वो अभी ब्राउनिश हो गए, लेकिन अभी झड़े नहीं है, तो जब झड़ जाते हैं तो बहुत इजीली आ जाते हैं हाथ में। कम ऑन रेम्बो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन रेम्बो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, अरे रेम्बो कितनी मस्ती है, फुल खेलने की मूड में है, लेकिन अब इसको इसके साथ अभी खेलने का टाइम नहीं है, इसकी सफाई का टाइम है, क्योंकि मिलता नहीं है। हम कम रेम्बो, तो भाई एक साइड तो मैंने कर ली है, एक साइड देती है रेम्बो, कम रेम्बो, फुल मस्ती में है ये, अभी कह रहा बस खेलो मेरे साथ, और अभी हाथ में नहीं आ रहा। कम ऑन रेम्बो, कम ऑन, लगता है ये पागल हो गया, पागलों की तरह भाग रहा है हस्ती का, ये बहुत एनर्जेटिक डॉग होते हैं ये। रेम्बो ब्रश, 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 सेट रेम्बो सेट, कम ऑन रेम्बो, कम ऑन, कम ऑन रेम्बो, कम ऑन, कम ऑन, चेक चेक, गुड बॉय, चेक इन, चेक इन, ऐसे बात मानता है लेकिन सफाई नहीं करवाता, सफाई में बहुत नखरे करता है, और अभी नहीं करने दे रहा मुझे। ये इतने सारे रेम्बो के बाल जो है हमने जमा किए हैं, लेकिन ये अभी कुछ भी नहीं है, इतने ज़्यादा होते हैं ये, अभी इसने सही से शेड भी नहीं किया और निकलवा भी नहीं रहा।
तो मैं थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करूँगा। मैं केक खा रहा हूँ तो ये आके बैठ गया मेरे सामने, उसको केक भी चाहिए। क्या चाहिए रैम्बो? हाँ केक चाहिए? नहीं केक नहीं मिलेगा, दिखाऊंगा। कंट्रोल मुंह से पानी आ रहा है रैम्बो के। रैम्बो केक चाहिए? हाँ रैम्बो ड्रामा नहीं करो, इतने सीधे साधे नहीं हो तुम, इतने मासूम नहीं हो, शैतानी नहीं करो। अच्छा हमको सिखा रिया है? हाँ रैम्बो। नो भाई केक मांग रहा है रैम्बो। ओके ओके रैम्बो चाहिए? चलो भैया रैम्बो को देते हैं। चलो रैम्बो। नहीं ये मजाक हो रहा है। लेके आया हूँ, लेके आया हूँ रैम्बो तुम्हारे लिए केक, अलग से लेके आया हूँ, परेशान नहीं हूँ। ये देखो स्टॉप स्टॉप रैम्बो स्टॉप, लाइट भी चली गई है। और ये 1 2 3 गो, गुड बॉय रैम्बो। ये था हमारा मिशन, रैम्बो को जो है शेडिंग करना और ब्रश करना। एक साइड से उसने अभी भी करवाया, एक साइड से नहीं करवाया, और वो हालत ख़राब कर देता है, कपड़े ख़राब कर देता है। फिर जल्दी से मैं जाऊँ जाके शावर वगैरह लिया है, अब मैं रिलैक्स हुआ हूँ। तो अगर आपको भी हस्की डॉग रखना है तो ये सब चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप नहीं दे सकते तो आप हस्की बिल्कुल भी ना लें। तो रैम्बो को भी मैं अनफॉर्चुनेटली अब टाइम नहीं दे पाता, इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बिजी लाइफ चल रही है बहुत ज़्यादा। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब लाइक FS Vlogs Official। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ अब से मैं इंशाल्लाह रेगुलरली अपने रूटीन पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। जो गैप आ गया वो आ गया, तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।